जो भी चाहिए बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। जानता था कि आपकी ही वजह से वो घर छोड़ के गए होंगे माँ, क्योंकि आपने उनके सपनों का गला घोटने की कोशिश की होगी जैसे आप मेरे सपनों का गला घोट रही है माँ। मैं भी उन्हीं का बेटा, अब मैं भी वही करूंगा जो उन्होंने किया। मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ अपने पापा की तरफ। आप लोग हमेशा इस कुर्सी को खाली क्यों छोड़ देते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि पापा वापस आएंगे और इस कुर्सी पे बैठेंगे? सॉरी बाप, मैं भी ना घर की बातें ना बाहर वालों के सामने करने लगा। अगली बार ना बाप आपको मैं अलग से दिखाऊंगा अपनी कलाकारी। मेरे लिए ये फिल्म का पूरा होना बहुत जरूरी है। एक बार ये फिल्म पूरी हो जाए फिर मैं खुद अपने हाथ से वो सबूत तुम्हें वापस कर दूंगी और फिर हम दोनों हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। पर तब तक मेरा साथ देती रहो, वरना मुझे वो नताशा बनना पड़ेगा जो अपनी मंजिल हासिल करने के लिए जान भी ले सकती है। मेरा प्रेम पत्र तो मिल ही गया होगा। ये चिट्ठी, धमकी वाली चिट्ठी। अच्छा ये होगा कि कपाड़िया से जुड़े तुम सब लोग इस धमकी को कोरा ना समझे। तुम सबको चिट्ठी भेज के बीज तो मैंने बो दिया, अब फल मुझे मिल जाना चाहिए। ओ सिल्क, तू जा भैया, जल्दी बाहर आ जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर मेरे दम गिरने तक हार नहीं आई तो प्रोड्यूसर कपाड़िया के साथ साथ तू भी जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं सबको उड़ा दूंगा और सबसे पहले मारूंगा इस लड़के को। सॉरी हीरोइन, तेरा हीरो तो ऊपर गया आज। यहां से निकलकर धमाका करूंगा, बूम, और तेरा हीरो हीरालाल फिनिश। आराम कर ले। काश इतनी फिक्र आपने पापा की भी की होती बा। अगर उनकी भी आपने ऐसी नजर उतारी होती ना तो आज वो हमारे साथ होती। नक्श, क्या हो गया है तुझे? आप हमेशा बाकी तरफदारी करती है नाना, कितना कुछ सहा है आपने उनकी वजह से, लेकिन हमेशा आपकी जुबान पे ना सिर्फ उनकी तारीफ ही होती है। आप बा को माफ कर सकती है, मैं नहीं। मैंने शराब पी है, ऐसी हालत में घर कैसे जाऊंगी? सवाल 9 बजे। बाकी क्या हुआ तुझे? ये क्या हाल बना के आई है इस घर में? हेलो हेलो, हाँ, सुन रही हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ। एक आइडिया है। क्या? तुमने फूड फोटोग्राफी के बारे में सोचा है? फूड फोटोग्राफी? हाँ, मैंने ना तुम्हारे खाने की खींची हुई तस्वीरें देखी। खाना फोटोज में इतना यमी लगता है कि खाने का मन करता है। तो सोचो, जबकि ये फोटोज तो तुमने बस ऐसी ले ली, और तुम यही फोटोज अगर बढ़िया से लाइट लगा के अच्छे कैमरे से क्लिक करोगे तो फोटोज कितनी अच्छी आएंगी ना। इंटरनेट पे हजारों लाइक्स आएंगे। अब मुझे लगता है कि तुम्हें ना इस बारे में सोचना चाहिए। आइडिया पसंद नहीं आया? हेलो हेलो, हो या गए? हम नहीं, यही हूँ। एंड थैंक यू। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? और एक वो मेरी बॉस है, तुम्हें पता है क्या कहती है वो? कि तुम उस बच्चे की तरह हो जिससे ड्राइंग नहीं बनती ना, तो वह स्केच बुक को ना उठा के फेंक देता है। इडियट कहेंगी। इडियट, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं ये सब कर रही थी। वैसे आप मूड ठीक हो गया ना तुम्हारा? तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट। गुड नाइट। अब इसका क्या करें? 3 बार रफू करवा चुकी हूं, अब तो रफू घर ने भी हाथ खड़े कर दिए। कह रहा था कि मंदिर में दान कर दो। आई, मैं नया ले आऊंगी। कब तक तू इस फटे कंबल में से खुद को देखती रहेगी? सब आपने बुलाया? अरे सिल्क, कम कम। आपको कुछ काम था? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। ज्यादा रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है मुझे, समझी? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में सोमवार रात देखिए। आपको कहा था अंतरा को अपने स्टाइल से, अपने तरीके से उसे इम्प्रेस करने को। यूं गली छाप लड़कों की तरह उसको चेप होने को नहीं कहा था। अब फिसल गई ना आपके हाथ से, अब क्या करेंगे हम? ऊपर से सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी सब हमने अंतरा के नाम करवा दिया। किसी भी तरीके से वो वापस लाना ही होगा। खुद को दोष देना बंद करो गुड्डन, हम हार नहीं मानेंगे। मैं जानता हूँ हमें क्या करना है। क्या अक्षत की मदद से गुड्डन अंतरा के सामने सारा सच खुलने से रोक पाएगी? आमरीन के होने वाला शौहर कनाडा से आ रहा है और एक ही हफ्ते में शादी करना चाहता है। ये 50,000 रुपया बयाना रख लीजिए। वो बागीचा आपके खानदान और बुजुर्गों की निशानी है। ये 70-80 लाख का कर्जा हम चुकाएंगे कैसे? आप बेफिक्र रहिए, तैयारियां कैसे होंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हम दोनों आपके साथ। तुम सबीना आंटी की मदद करो और हम तुम्हें यहाँ बर्बाद करें। निशा, एनिवर्सरी हम दोनों की है, तो विश तो दोनों को करना चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। मैं खुश हूँ दोनों के। इस बिल्ले का चेहरा तो मैं कभी ना देखूँ। दूल्हा बुलाना तो दूर की बात है इसे। जब तुम्हें पता चलेगा ना ये दूल्हा कौन है, तुम्हें वो देखा हुआ भी अच्छा लगेगा और देखा हुआ भी। ऋषभ के बाद मेरा करण भी बच गया। फाइनली प्रीता की शादी हो रही किसी और से। अच्छा हुआ आप आ गए, आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे। ये जो किस्मत का खेल ये भगवान ने नहीं रचा, ये रचा है वेदांत त्रिपाठी ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस वेदांत ने गुंडों से पिटवाकर शहर से बाहर भगा दिया था मुझे, ताकि मैं हमारी शादी में ना पहुंच पाऊं। टीवी सीरियल्स में वैम्प को हीरो को अपने जाल में फंसाना होता है, तो वैम्प्स क्या करती है? शराब वराब पिला देती है या फिर कोई भी चीज जिससे नशा। आई, हमें कुछ भी करके ना अभी केतकी के घर पे पहुंचना होगा। मल्हार जी ठीक हालत में नहीं है। बहुत वक्त हुआ अपने प्यार को दिल में छुपाए हुए, आज मुझे अपने प्यार का इजहार कर लेने दो। देखिए शान को बेगुनाह साबित करने के लिए कैसे बदल कर रख दिया अस्मिता ने केस। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अतीत का बदला लेने के लिए अस्मिता ने मिस्टर शुभांकर घोष का कत्ल किया और इसीलिए ये अदालत उसे गुनहगार करार देती है। तुम ये सब सिर्फ मुझे बचाने के लिए कर रहे हो।